नमो नारायण जी। मित्रों, मैं आपका मित्र नारायण आचार्य, रत्न व ज्योतिष एक्सपर्ट चंडीगढ़ से। मित्रों, मैं बात करूंगा आपको एक विशेष आने वाले जो कि 78 दिनों तक रहने वाला महायोग, जिसे कहा जाता है हंस महापुरुष योग। और ये हंस महापुरुष योग किसी विशेष स्थान पर बैठने से बनता है और कभी किसी किसी ग्रहों के योग के मिलने से बनता है। दोस्तों, ये 78 दिनों का जो शानदार, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल जो योग आ रहा है, शनि गुरु और केतु महाराज एक साथ युति में आ रहे हैं, इसलिए ये त्रिकोणीय जो योग बन रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा योग बन रहा है। त्रय ग्रही योग में कई बार चतुर्ग्रही योग होता है, कई बार पंच महापुरुष योग होता है, कई बार षडग्रही योग भी होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो तीन ग्रहों का जो योग है, शनि गुरु और केतु का, ये सभी राशियों में अलग अलग प्रभाव देगा। गोचर के अनुसार ये आने वाली 4 नवंबर 2019 की रात्रि, यानी कि 5 नवंबर की सुबह प्रातःकाल से लेकर के और 23 जनवरी 2020 तक ये योग चलेगा। और ये तीनों ग्रह एक साथ एक युति में रहेंगे, जिससे सभी राशियों के ऊपर अलग अलग बुरा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर इन त्रिग्रहों का योग अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत लाभदायक बनता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। आप भी उनमें से एक भाग्यशाली इंसान हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वाले व्यक्तियों का स्वामी ग्रह तो मंगल होता है, लेकिन मेष राशि वालों को ये 9वें भाव में, यानी भाग्य स्थान पे शनि गुरु और केतु। भाग्य स्थान क्या है? किस्मत का, विदेश यात्रा का, फॉरेन ट्रैवल का, भक्ति का, रिलीजियस का, धर्म का। तो यहाँ पर मेष राशि वाले व्यक्तियों की यदि विदेश की यात्रा पेंडिंग है, फॉरेन का कोई काम पेंडिंग रखा हुआ है, बहुत समय से वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत समय में कोई मानसिक परेशानियाँ चल रही हैं रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रैवल, या फिर आपकी भक्ति या आपका कोई ऐसा विशेष काम जो आपका पेंडिंग पड़ा है, वो आपको इसी 78 दिनों में पूरे होने के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं। दोस्तों, ये मेष राशि वालों को विशेष रूप से भाग्य स्थान पे किस्मत के ताले खोलता है, लक को खोलता है, भाग्य को खोलता है। बंद किस्मत जो सालों से सोई हुई है, इन तीन ग्रहों के मिलने से मेष राशि वालों का भाग्य स्थान ओपन करेगा। इसके बाद हम चलेंगे दूसरी भाग्यशाली राशि दोस्तों, मिथुन राशि। और मिथुन राशि को जो गुरु और शनि और केतु का जो योग है, जो कि धनु राशि में, यानी कि सप्तम भाव में, यानी कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनकी मैरिज टूट चुकी थी, रीमैरिज के योग बनेंगे। रिश्ता जिनका नहीं हो रहा था, उनका रिश्ता होने के योग बनेंगे। और जो कोई व्यापार से रिलेटेड जो काम प्लानिंग, जो आलस आ रहा था, लेजीनेस आ रही थी, वो इन 78 दिनों में आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आने के योग बनेंगे। मिथुन राशि वाले, स्वामी बुध होता है, लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि वालों की कुंडली में हंस महापुरुष का योग बनता है, जो कि अपने आप में विशेष योग है। और पति पत्नी के जो झगड़े हो रहे थे मिथुन राशि वालों में, पति पत्नी के जो संबंध खराब हो रहे थे, वो अच्छे डेवलप होने के चांस बन रहे हैं। यहाँ तक कि आप किसी से प्रेम करते हैं या आप लव मैरिज करना चाहते हैं, उसमें भी सफलता के चांसेस हैं, मन मुटाव दूर होगा, बहुत अच्छा समय है। दोस्तों, तीसरी भाग्यशाली राशि की बात करूँगा, सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को, यानी कि पंचम भाव में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यानी पंचम भाव में लव, जिनका प्रेम टूट गया था, यहाँ प्रेम मिलने के योग है। सिंह राशि वालों की जो स्टूडेंट की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, मन नहीं लग रहा था, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने का चांसेस है। जिनको सालों से संतान नहीं हो रही, उन सिंह राशि वालों को इन 78 दिनों में गर्भ धारण के, संतान उत्पत्ति के, संतान में सफलता के चांसेस बनते हैं।
या कोई आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बहुत समय से आपका काम पेंडिंग रखा हुआ था और वो डॉक्टर से भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था या डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें डायग्नोज हो जाएंगी। यहाँ पंचम स्थान डायग्नोज का है, बुद्धि का है, दिमाग का है, ब्रेन का है, लव का है, संतान का है, रोमांस का है, एजुकेशन का है, एंटरटेनमेंट का है। तो इन सारी चीज़ों में पंचम स्थान, पंचम सिंह राशि वालों को इन सब चीज़ों में लाभ मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। यहाँ तक कि सिंह राशि वाले अगर फॉरेन ट्रैवल या विदेश की एजुकेशन लेना चाहते हैं, या आपका कोई प्रेमी साथी विदेश में है और आप मिलने की इच्छा रखते हैं, तो इन 78 दिनों में आपका वीज़ा या आपका फॉरेन ट्रैवल या एजुकेशन या कंपटीशन में आपको सक्सेस के चांसेस हैं। दोस्तों, मैं आगे बात करूंगा विशेष रूप से कन्या राशि वालों की। भाग्यशाली कन्या राशि जिनके चौथे भाव में ये त्रिग्रहों का जो योग है, यानी कि हंस योग जो है, वो अपने आप में विशेष लाभदायक है। कन्या राशि वालों को कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु यानी चौथा घर यानी भूमि, भवन, मकान, सुख, मान सम्मान, माता, दबा व खजाना, लॉटरी, अनएक्सपेक्टेड मनी और छोटी यात्राएं, लघु यात्राएं, दीर्घ यात्राएं भी होती है समटाइम, छोटी यात्राएं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कन्या राशि वालों की विदेश यात्रा, लोकल भ्रमण, वर्ल्ड टूर के भी चांसेस बनते हैं। यहाँ चौथे आपकी प्रॉपर्टी के कोई मसले पेंडिंग पड़े थे, कोई प्रॉपर्टी का कोई घर बनाने की इच्छा थी आपकी, या कोई रेनोवेट करना चाहते हैं, घर बना के तोड़ के दोबारा बनाना चाहते हैं या नया बनाना चाहते हैं, जो पेंडिंग काम थे वो आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं। यहाँ मित्रों, जो कन्या राशि वाले व्यक्ति हैं, इनके चौथे घर में आपको अगर कोई सर्वेंट की नीड थी या कोई ऐसे सहायक असिस्टेंट की नीड थी, वो भी आपकी यहाँ पूरी होने के योग बनते हैं। चौथा घर दोस्तों अपने आप में माता का भी है, माता से संबंध भी अच्छे होते हैं, माता की तरफ से आपको कोई बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है। दोस्तों, ये थी कन्या राशि का हाल। क्योंकि ये 78 दिन जो विशेष हैं, जो कि कब से शुरू हो रहे हैं आपके, विशेष रूप से ये 4 नवंबर की रात यानी 5 नवंबर 2019 की मध्यरात्रि में सुबह और 23 जनवरी 2020 तक ये योग चलेगा, 78 डेज तक। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को दोस्तों धन भाव पे, वृश्चिक से धनु सेकंड हाउस, धन भाव के ऊपर ये तीन ग्रहों का हंस राजयोग बनता है। हंस महापुरुष योग जो सेकंड हाउस में बनेगा तो धन की वृद्धि होगी। और यहाँ पर केतु बहुत ज़्यादा लाभ देता है, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु उच्च के होकर के लाभ देंगे। आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप कोई इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, आप कोई मान सम्मान लेना चाहते हैं, कोई बड़े पद का कोई अवार्ड लेना चाहते हैं, उसमें सफलता के चांसेज है दोस्तों आपको। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों को जब धन स्थान के ऊपर जब तीन ग्रहों की युति बनेगी, तो आपका रुका हुआ जो धन है, जो पैसा आपका रुका हुआ था, ब्लॉक मनी थी, उसके रिटर्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। दोस्तों, अगली सबसे और सबसे लास्ट जो सबसे भाग्यशाली राशि है वो है फिर धनु राशि। दोस्तों, धनु राशि की मैं बात करूंगा। दोस्तों, धनु राशि में हंस महापुरुष योग बन रहा है अपने आप में, जो कि विशेष है। और धनु राशि वालों को यानी के लगन में, या आपकी चंद्र राशि है तो चंद्र राशि यानी लगन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, हो सकता है थोड़ी सी ईगो भी आप में आ जाए। यहाँ पर आपको प्रभाव आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप कोई बड़ी ख्याति या कोई वर्ल्ड लेवल का या कोई किसी भी प्रकार का ख्याति चाहते हैं, फेम चाहते हैं, तो उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपको रुका हुआ धन भी, मान सम्मान भी, इज्जत भी मिलेगी और आपका दबदबा बना रहेगा। और कुल मिलाकर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलने के योग बनते हैं। बात करूँगा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को यहाँ पर 11वें भाव में लाभ स्थान पे, यहाँ धन भाव के स्वामी भी और लाभ स्थान के स्वामी भी दोनों एक साथ युति हैं, केतु, गुरु और शनि। और इन तीनों का जो योग है वो अपने आप में शानदार योग है। ये शानदार योग क्योंकि गुरु, राहु और केतु जिसके साथ बैठते हैं उसका फल ले लेते हैं। तो यहाँ केतु जब गुरु और शनि के साथ बैठेंगे, क्योंकि शनि के सहायक है, शनि के सेनापति हैं राहुदेव, तो यहाँ पर जब केतु, गुरु और शनि जब तीनों एक साथ हैं, तो आपकी कुंभ राशि वालों को जो बैंकिंग सेक्टर से बहुत फ़ायदा मिलना है, बड़ा कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन का बेनिफिट मिलना है, मान सम्मान, इज्जत मिलनी है, रिस्पेक्ट मिलनी है, तरक्की बहुत ज़्यादा होनी है यहाँ पर।
यहाँ मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ आपकी कुंभ राशि वालों को, जो कि 11वें भाव में जब ये ग्रहों का, तीन ग्रहों का जब प्रभाव रहेगा तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मनी का लाभ मिल सकता है और मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव वर्क भी आप कर सकते हैं या कोई बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, कोई मूवी, फिल्म स्टार, कोई आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, या कोई बड़ा बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्लानिंग में है तो उसमें भी आपको कामयाबी के चांसेस बनते हैं। और दोस्तों अंत में बात करूंगा मीन राशि की, जो कि सबसे भाग्यशाली राशि है। मीन राशि वालों को दोस्तों ये 10वें घर यानी कि पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे। नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अगले 78 दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे जॉब मिलने के। यहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप भी आपको मिलने के चांसेस हैं। बेशर्ते इन पूरी कुंडली में जो हमने बातें बताई, इसमें अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शनि और गुरु अगर नीच के नहीं होने चाहिए, अगर नीच के होएंगे तो फल चेंज हो जाएगा। अदरवाइज यदि शनि और राहु सामान्य हैं, या शनि और गुरु यदि सामान्य हैं या उच्च के हैं, तो ये जो मैंने भाग्यशाली शब्द यूज़ किया, ये भाग्यशाली वाक्य में बनने के योग बनते हैं। तो दोस्तों जो मीन राशि वाले हैं, आपका झंडा ऊंचा होगा, मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, जीत मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी कोई नई पार्टनरशिप या साझेदारी के भी चांसेस बनते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा व्यापार शुरू होने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों ये था गोचर के त्रिग्रहों का योग। ये जो त्रय ग्रहों का योग बनता है ये अपने आप में विशेष होता है, कभी चतुर्ग्रह योग होता है, कभी पंचग्रह योग होता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये योग जो है 5 नवंबर की सुबह 4 की रात्रि मध्य और 5 की सुबह यानी 2019 में, और ये 23 जनवरी 2020 तक ये तीन ग्रहों का शानदार हंस महापुरुष योग बनेगा और ये अपने आप में विशेष होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा ये पूरा एपिसोड तो आप इसे आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, और हमारा जो चैनल है नारायण एस्ट्रो इंडिया और एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण, दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल साइट्स हैं यहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ के नाम से। और दोस्तों यदि आप भी कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, वास्तु से रिलेटेड विजिट कराना चाहते हैं, या रत्न से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या आप कोई ज्योतिषीय राय लेना चाहते हैं, स्पेशली कैरियर एडवाइस यदि आप लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके, प्रोसेस को फॉलो करके, प्रोसीजर को फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी हमारी फीस का प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा, तत्पश्चात आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए, फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।